SGX Nifty को अभी देखें तो फ्लैट है लेकिन बायस पॉजिटिव है 24 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 7633 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर आज खबरें हैं। पहला स्टॉक रहेगा एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग का, ऑर्डर मिलने की खबर है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 950 करोड़ का और इसीलिए आज के सेशन में शायद तेजी रहे स्टॉक में, लेकिन लो वैल्यू स्टॉक है इसलिए इस पर बातचीत नहीं करेंगे। आरपीजी लाइफ साइंसेज में तेजी शायद आज के सत्र में दिखे क्योंकि खबर पॉजिटिव है और खबर है कि अंकलेश्वर इकाई को यूरोप रेगुलेटर से मंजूरी मिली है और मार्च में अंकलेश्वर इकाई का इंस्पेक्शन किया था यूरोप के रेगुलेटर ने, लेकिन अब क्लीन चिट मिली है तो आरपीजी लाइफ साइंसेज डेफिनेटली आज के सेशन में एक बढ़त दिखा सकता है। इसके अलावा पूरी शुगर पॉकेट पर आपको नजर रखकर चलनी है। कल हालांकि पूरी शुगर स्पेस में एक मिक्स्ड बायस दिखा था, लेकिन आज खबर इंपॉर्टेंट है। दो खबरें हैं शुगर स्पेस के लिए। पहला तो ये कि जो सीसीए की आज बैठक होनी है उसमें जो अपकमिंग क्रशिंग सीजन के से पहले के जो प्राइसेस तय किए जाते हैं शुगर केन के, उस पर फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल 230 रुपए क्विंटल का भाव है और वही कीमत रह सकती है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट खबर ये है कि बीते 10 दिनों में जो चीनी की प्राइसेस है वहां पर एक इजाफा देखा गया है और पास्ट 10 डेज में जो शुगर प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट 8% तक बढ़े हैं। तो ये एक फैक्टर रह सकता है जो कि चेयर कर सकता है शुगर कंपनीज को। लोअर आउटपुट के खबरों के बीच में ये प्राइसेस में इजाफा हुआ है तो नजर रखकर रहेगी पूरे ही शुगर पॉकेट में। इनफैक्ट राकेश, शुगर स्पेस बीते कुछ मंथ्स में थीम रहा है भारतीय बाजारों की। अभी अगर टेक्निकली बात करें तो एक शेयर कौन सा होगा जो कि आपको सबसे साउंड लग रहा है? देखिए दीपाली, शुगर स्पेस काफ़ी बेहतरीन है। बलरामपुर चीनी, डालमिया भारत शुगर सब काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट नीचे से काफ़ी इजाफा देखने को मिल चुका है। अगर किसी का निवेश का नजरिया तो बात अलग है, अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो मेरा ऐसा मानना है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए शुगर स्पेस को। एज ऑफ नाउ इनके अंदर ऐसा कोई नया टेक्निकल ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है कि नई पोजिशन इस स्पेस के अंदर ली जाए। अगर नई ट्रेडिंग पोजिशन ही लेनी है सेक्टर स्पेसिफिकली तो मेरा ऐसा मानना है फार्मा सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए। कल के मेल्टडाउन में एक सेक्टर जो निकल के सामने आया है वो है फार्मा सेक्टर, स्पेसिफिकली सन फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क फार्मा, जहां की क्लियर कट पैटर्न्स हैं मंदी की। अगर मार्केट पुल बैक भी लेता है, इतना खराब पैटर्न है इन तीन स्टॉक्स के अंदर कि अगर निफ्टी 7700 के लेवल्स को टेस्ट करने का भी कुछ अटेम्प्ट करे तो भी ये स्टॉक्स गिरने का पोटेंशियल रखते हैं। जी हाँ, और कुछ अगर आप देखें स्टॉक्स जैसे कि टाटा मोटर्स का तो कह रहे हैं जिक्र कर ही चुके हैं हेडलाइंस में कि आज अगर आप देखें एक नया लॉन्च है और इस गाड़ी का जिसका पहले नाम इनफैक्ट जीका कहा गया था, वो तो वायरस आ गया, उसके बाद उसका नाम बदलना पड़ा डीआईगो। और देखिए इसका लॉन्च हो रहा है आज, और कुल मिलाकर ये बात है कि इस नए लॉन्च के जरिए टाटा मोटर्स कितने वॉल्यूम जनरेट कर सकती है उसी पे अगर आप देखें सारा का सारा तो कहीं ना कहीं जो बाजार है ना इसको वेटेज देगा अगले 3 महीने 4 महीने में। लेकिन आपकी स्क्रीन पर आप देखें उस लॉन्च से पहले अगर आप देखें उस गाड़ी के विजुअल्स और टाटा मोटर्स इस दौर में अगर आप देखें ये स्टॉक चला भी और इसने अगर आप देखें बहुत सारी अपने साथ एक्सपेक्टेशंस भी जोड़े रखी कि क्या ये विद इन द बास्केट ऑफ ऑटो स्पेस विल इमर्ज एज ए न्यू लीडर, क्या नया लीडर बनेगा। क्योंकि देखिए ये टाटा मोटर्स अब इंडेक्स में अपने अंडरलाइन के साथ साथ अगर आप देखें अपने DVR को भी लेकर कारोबार कर रहा है। खैर इस बात भी करूंगा मैं, और कल ये DLO पे ऑलमोस्ट बंद हुआ था। और उसके बाद देखिए स्पाइस जेट और आप एक बार जेट एयरवेज इन सभी स्टॉक्स को देख सकते हैं। एविएशन देखिए मैं इस पे बात वैसे भी करता लेकिन खबर भी है इनफैक्ट की, जैसे कि नई एविएशन पॉलिसी जो है उसमें 5/20 नियम जो है वो उसको हटाया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट होगा इस पूरे क्षेत्र के लिए। लेकिन मैं पहले इसी बात करना चाहूँगा साथी के लिए। आई थिंक मैं अगर कल की बाजार की गिरावट को भी प्लस कर दूँ राकेश इन चार्ट्स पे, उसके बावजूद मैं कह सकता हूँ कि ये सेक्टर अगर आप देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में गिनने के बाद अब सबसे ज़्यादा चार्टिकली स्टेबल लग रहा है। अगर इन तीनों में से एक ट्रेड पिक करना हो राकेश, मैं 10%, 8%, 5% वैल्यू एट रिस्क यानी जोखिम लेने को तैयार हूँ। आप किसके साथ जाएंगे, तेजी खेलेंगे आप? मैं वीरेंद्र नो डाउट इंटर ग्लोब एविएशन के साथ, इंडिगो के साथ तेजी खेलना चाहूँगा, जहाँ पर बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट 870 के नीचे हुआ है। मार्केट की करेक्शन में अगर ये स्टॉक 930, 925 के अराउंड मिलता है तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है। मुझे लगता है ये स्टॉक 1050, 1060 तक की रैली दिखा सकता है। और कल के सेशन में एविएशन स्टॉक्स वीक मार्केट में भी हरे निशान में क्लोज होने में कामयाब हुए थे। और जिस तरह से वीरेंद्र ने मेंशन भी किया कि 520 नॉर्म्स को अबॉलिश किया जा सकता है, और इंपॉर्टेंट ये है इस पूरे वीक में इस पूरे पॉकेट पर नजर रखकर चले क्योंकि जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो इसी हफ्ते ड्राफ्ट पॉलिसी एक कैबिनेट नोट में के तौर पर भेज सकती है। तो नजर रहेगी इस पूरे ही
स्पेस पर। लेकिन इसके अलावा कुछ और शेयर्स रहेंगे आज के सेशन में जिन पर बातचीत कर लेते हैं। जेएमसी प्रोजेक्ट पर भी खबर है आज के सत्र में कि रेवा एमपी यूपी टोलवे प्रोजेक्ट के लिए टोल कलेक्ट करेंगे और 19 फरवरी से कंपनी के टोलवे पर कामकाज बंद था तो रिज्यूम करेंगे टोलवे का कलेक्शन। तो स्टॉक पर नजर रखकर चले आज के सत्र में। ग्यामन इंडिया पर खबर काफी इंपॉर्टेंट है और खबर है कि जीपी पावर की कंपनी में 250 करोड़ के निवेश की योजना है। थाईलैंड की कंपनी है जीपी पावर जो कि ग्यामन इंडिया में निवेश करेगी 250 करोड़ का। ग्यामन इंडिया राकेश, हालांकि जो खबर है वो पॉजिटिव है, फंड इन्फ्यूजन होगा 250 करोड़ के आसपास का, हाई डेट कंपनी है, बहुत सारे और भी कंसर्न्स हैं, लेकिन टेक्निकली भी आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी ग्यामन इंडिया पर अगर आज अच्छी शुरुआत होती है इस खबर के बाद तो? टेक्निकली दीपाली मेरी राय ये है कि किसी तरह की बॉटम फिशिंग से बचना चाहिए। स्टॉक के अंदर कोई भी उछाल आता है और किसी को किसी का भाव मिल रहा है तो उसको यूज करें इससे निकलने के लिए।